शहडोल के जयसिंह नगर क्षेत्र का अन्नदाता इन दिनों विद्युत विभाग की मनमानी के कारण बुरे दौर से गुजर रहा है। इन दिनों विद्युत विभाग किसानों के साथ सौतेला व्यवहार अपना रहा है। किसान सिंचाई के लिए बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, क्योंकि इन दिनों समूचे क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती और लो वोल्टेज के समस्याओं से फसल को पानी न मिलने से फसल सूख रही है। वहीं सरकारी दफ्तरों में बैठे अधिकारी वातानुकूलित कमरों में अन्नदाता के दुर्दशा को मुखदर्शक बन देख रहे हैं। वहीं सत्ता और विपक्ष के नेताओं ने भी अन्नदाता के संकट के दौर से किनारा कर लिया है, जिससे अब किसानों के मन में राजनेताओं और राजनीतिक दलों के प्रति रोष व्याप्त है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार करने को लेकर किसानों ने अब मन बना लिया है। अगर विद्युत विभाग की मनमानी जारी रही तो आगामी दो दिन बाद किसानों की संपूर्ण फसल सिंचाई के अभाव में सूख जाएगी और अन्नदाता के हाथ में बस सरकार के खोखले वादे ही रह जाएंगे। जहां एक और देश के प्रधानमंत्री किसानों की आय को दोगुना बढ़ाने के झूठा आश्वासन देकर वोट बैंक बना रहे हैं, तो वहीं जमीनी स्तर पर आज भी अन्नदाता अपनी उपज का 1% बचाने के जद्दोजहद में जुटा हुआ है। हालांकि अगर समय रहते शासन प्रशासन ने विद्युत विभाग की मनमानी पर अंकुश नहीं लगा पाए तो आगामी दिनों में अन्नदाता और किसान संगठनों में कड़ा टकराव उत्पन्न होगा, जिसका खामियाजा राजनीतिक पार्टियों को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। बहरहाल जो भी हो, लेकिन सरकार भले ही कृषि बजट में कितनी भी बढ़ोतरी क्यों न कर दे, लेकिन किसान आज भी दयनीय स्थिति से ही गुजर रहा है। मैं दीप नारायण तिवारी, ग्राम पंचायत लखलौटी, ग्राम दुआरी के अंतर्गत, आज किसानों की ये स्थिति है कि फसल जो है गेहूं की पूरी सूख रही है जी। और जब बिजली विभाग को पहले से ही लाइट नहीं देना चाहिए, तो गेहूं बोते टाइम बढ़िया वोल्टेज देते हैं, जब गेहूं पकने की समय आती है जी जी, तो वोल्टेज की स्थिति देखी जाए कि आज वोल्टेज हमारे यहाँ 60 नहीं है। हाँ। पूरी फसल सूख रही है। हम पीटीओ साफ्ट ट्रैक्टर से अगर सिंचाई करते हैं गेहूँ की जी जी, तो लगभग हमें खर्च आता है 3 से 3.5 लीटर प्रति घंटा, और एक आज डीजल जो है 100 रुपये लीटर है जी जी, और 350 रुपये में हम 5 किलो गेहूं की फसल नहीं सींच पाते हैं, तो हमारी गेहूं जाके पड़ेगी वो लगभग समथिंग 45 से 50 रुपये पर किलो 45 से 50 रुपये अगर पर किलो गेहूं पड़ती है, तो शासन का रेट क्या है 20 रुपये, तो किसान कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है किसान, तो नहीं रहा है। आप इस समस्या को लेके विभाग को सूचना दिए थे कि हम CM हेल्पलाइन में शिकायत किए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। 19-12 में शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं होती। लाइनमैन से बात की है तो बोलते हैं सब ऊपर ही से है, हमारी कोई गलती नहीं, आप ऊपर बात करिए। ऊपर हम कहाँ जाएं, अब किसान आदमी कहते हैं कि शासन बहुत अच्छी है भाजपा की, भाजपा की सरकार मेरे को भ्रष्ट समझ में आ रही है। पूरी फसल सूख रही है मेरी टोटल, मेरा यही निवेदन है कि ये समस्या का निदान की जाए। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट।